hello students how are you i hope you all are doing good today we are starting a chapter which name is the first civilization in india and what we are going to read in this chapter about the indus valley civilization the silent features of indus valley civilization the life in the city case study about the hadappa towns in gujarat and decline of the civilization and about the contribution of the indus valley civilizations now इन प्रीवियस चैप्टर्स यू हैव रेड अबाउट कि लोगों ने कैसे छोटे छोटे विलेजेस बनाना शुरू कर दिया था कैसे उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू किया कैसे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू हुआ अब वो सारा टाइम जो है हंटिंग और गैदरिंग में नहीं निकालते थे अब वो लोग एक ही जगह पर सेटल लाइफ उन्होंने शुरू कर दी थी ओके अब खुद के लिए एग्रीकल्चर के अलावा खुद के फार्मिंग के अलावा वो सरप्लस यानी कि खुद के अलावा दूसरा एक्सपोर्ट करने के लिए भी दूसरों के लिए भी वो जो एग्रीकल्चर है या क्रॉप ग्रोन करने लगे थे ठीक है इसीलिए जो ज्यादातर पीपल थे वो अपना टाइम अदर एक्टिविटीज में डिवोट करने लगे थे सोचने लगे थे कि कैसे वो अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं कैसे जो अब उनके पास टाइम होता है क्योंकि पहले जो सारा टाइम था वो इधर से उधर घूमने में हंटिंग गैदरिंग में निकल जाता था अब एक ही जगह पर वो रहने लगे हैं फूड गैदरिंग उन्हें आ गई है डोमेस्टिकेटिंग ऑफ एनिमल्स उन्हें आ गई है तो अब ये सोचते थे जो खाली टाइम है पास उसको किस तरीके से स्पेंड किया जाए तब राइटिंग इन्वेंट हुई ठीक है और आर्ट पेंटिंग लोगों ने शुरू की आर्ट डेवलप हुई ट्रेड ग्रो हुआ एंड वेरियस इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज चेंज ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस ग्रेजुअली विलेज ग्रे इन टू टाउन्स एंड टाउन्स जो हैं वो सिटीज़ में ग्रो हो गए एंड द फर्स्ट ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड फॉर बोर्न और इस तरीके से फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड स्टार्ट हुई बट इज सिविलाइजेशन अब मेन क्वेश्चन है सिविलाइजेशन क्या होती है Civilization is said to occur when a society is एन advanced state of social development. Such a society would have जब एक जगह पर लोग रहने लग जाते हैं और वो सोसाइटी जो है डेवलपमेंट की तरफ बढ़ती जाती है कि कैसे आगे और उन्हें अपनी लाइफ में डेवलपमेंट करनी है जैसे कि पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज़ अब गाँव से जो लोग हैं वो शहरों में टाउन्स में रहने लगे थे एन एडवांस सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर को अलग अलग तरीके से करने का जो एडवांस टेक्निक है वो उन्होंने डेवलप करनी शुरू कर दी थी डिवीज़न ऑफ लेबर विद रूलर्स वेरियर्स प्रिस्ड फार्मर्स कारपेंटर्स पोर्टर्स एंड सो ओन एंड कॉम्प्लैक्स लीगल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एंड लिटरेसी और द नॉलेज ऑफ राइटिंग कि कैसे काम को कैसे काम काम को कैसे बांटा जाए कैसे रूलर्स का क्या काम होगा जो फार्मर्स हैं उनका क्या काम होगा प्रिस्ड का काम क्या काम होगा वेरियर्स कारपेंटर्स ये क्या क्या काम करेंगे ठीक है किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होगी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम होगा लीगल ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम होगा या पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी और कैसे किस चीज़ को लिखना है कैसे स्क्रिप्ट को डेवलप करना है ये सारी चीजें लोग सीखने लगे थे सोचने लगे थे और इसी को नाम दिया गया है सिविलाइजेशन ठीक है

टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर ओके आपने पढ़ा कि जो अर्ली ह्यूमन बींग थी उन्होंने सबसे पहले रिवर्स के किनारे ही रहना शुरू किया था तो उनके विलेजेस जो थे छोटे छोटे या फिर वो टाउन में या सिटीज़ में जो चेंज होना शुरू हुआ स्टार्टिंग जो हुई थी वो रिवर से हुई थी ठीक है तो सबसे पहले चार मेजर रिवर वैली सिविलाइजेशन थी फर्स्ट जो थी दैट इज़ मेजोपटामिया सिविलाइजेशन जो टाइग्रिस एंड यूरेफ्स रिवर के बीच में थी उसके बाद इजिप्टन सिविलाइजेशन दैट इज़ ऑफ नाइल वैली

is valley civilization mejoyoti that is हड़प्पन सिविलाइजेशन ठीक है हड़प्पन सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुई थी इट डेवलप्ड अराउंड 4700 सेवन हंड्रेड ईयर्स ए हड़प्पन नाउ इन पाकिस्तान ऑन द रिवर रावी वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज डिस्कवर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा शहर और सबसे ओल्डेस्ट सिटी जो डिस्कवर हुई अब जो हड़प्पा है दैट इज़ इन पाकिस्तान तो हड़प्पा इज दैट सिटी इट वॉज डिस्कवर्ड बाय आर बी दया राम साहनी एंड इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट किसने डिस्कवर की थी ये आर बी दया राम साहनी एंड इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट इसकी टीम ने ही डिस्कवर की थी द वेरी नेक्स्ट ईयर द वेरी नेक्स्ट ईयर इन नाइनटीन टवेंटी टू आर डी बनर्जी केम अपोन सम एंशियंट रिमेन्स एट मोहन जोदारो इन लाक्टा डिस्ट्रिक और सिंध नाउ इन पाकिस्तान ऑन द रिवर इंडस ग्रेचुअली मैनी अदर साइड स्टार्टिड कमिंग इन टू लाइट हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद अगले ही साल उन्होंने एक नई सिविलाइजेशन भी डिस्कवर की दैट इज मोहन जोदारो दैट इज ऑल्सो नाउ इन पाकिस्तान ठीक है उसके बाद धीरे धीरे ऐसी बहुत सारी सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई बहुत सारे लोगों ने डिस्कवरी शुरू कर दी थी सिंस सिमिलर बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स वर फाउंड फ्रॉम ऑल अदर साइट्स, दे वर डिस्क्राइब्ड एस हड़प्पन साइट्स। बाकी जो भी आसपास जितनी भी साइट थी जैसे हड़प्पन वॉल, रिमेन्स ऑफ मोहनजोदारो इन पाकिस्तान तो आस पास जितनी भी साइट्स जो डिस्कवर हुई ठीक है तो वहाँ पर सेम चीज़ें मिली हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी में मिली तो ऐसा माना जाता है ये सारी साइट जो अब पाकिस्तान में है ये सारी साइट्स ही हड़प्पन सिविलाइजेशन की ही साइट्स हैं और कोल्ड हड़प्पन साइट्स ओके कौन कौन सी ये मेन साइट्स थी सम इम्पोर्टेंट इंडस वैली साइट्स आर जैसे कि हड़प्पा दैट इज़ पंजाब इन पाकिस्तान में है अब मोहनजोदारो रोपड़ इन पंजाब लोथल रंगपुर एंड रोचरी इन गुजरात एंड कालीबंगा इन राजस्थान बनवाली बनवाली इन हरियाणा कोट दीजी अमरी एंड चूरूदारो दैट इज इन सिंध पाकिस्तान एंड आलमगीरपुर दैट इज़ इन उत्तर प्रदेश तो सब में नियर बाय सेम सेम ही चीज़ें मिली हैं तो इन सब को क्या कहा जाता है इंडस वैली साइड्स और वी कैन से हड़प्पन साइट्स नाउ इनके फीचर्स क्या थे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन वैली सिविलाइजेशन द मेन फीचर्स आर फर्स्ट इज टाउन प्लानिंग टाउन प्लानिंग जो थी वो जैसे अब है वेल well प्लान उस तरीके से टाउन प्लानिंग की जाती थी द सिटीज़ वर बिल्ट अकॉर्डिंग टू अ वेल लेड आउट साइंटिफिक प्लान जो भी शहर थे हड़प्पन सिटीज़ की जो भी टाउन्स बने होते थे एक वेल well प्लान के अकॉर्डिंग बनाते थे एंड देयर वॉज एन एक्सीलेंट यूनिफॉर्मिटी इन द प्लानिंग और बहुत अच्छी प्लानिंग की जाती थी एंड मोस्ट ऑफ द सिटीज़ वर डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स अ हाई सीटाडल इन द वेस्ट एंड अ लोअर टाउन इन द ईस्ट मोस्टली जितने भी सिटीज थी जितने भी टाउन थे उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था एक पार्ट को सीटाडल हाई टाउन सिटाडल का नाम दिया गया था दैट इज इन वेस्ट एंड ईस्ट में जो टाउन था उसको लोअर टाउन का नाम दिया गया था नाउ Do you know the Indus Valley Civilization is the largest in area of all the four contemporary civilization? जितने भी हमने चार civilization के अभी नाम पढ़े थे उनमें से जो Indus Valley Civilization है that is the largest in area of all. Okay? Now हम बात कर रहे थे town planning की First है जो upper town जिसको बोलते थे the high part that is citadel. The cities had a raised part called the citadel. इसको थोड़ा height पर बनाया जाता था This is citadel.

द ग्रेट बाथ एट मोहन जोदारो शोज हाउ गुड द इंडस पीपल वट इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग और जो ग्रेट बात जो है मोहन जोदारो की एक्सक्वेशन साइट पर जो मिला है उससे पता लगता है कि जो पहले के इंजीनियर थे इंडियन इंजीनियर वो कितने अच्छे इंजीनियर थे कितने अच्छे से प्लानिंग करते थे द इनर वोल्स वर ट्रेटेड टू प्रीवेंट सीपेज एंड स्टेयर्स डिसेंडिंग इन टू द बाथ वो आर यूज फॉर क्लीनिंग इट दे आर वर्ड इवन चेंजिंग रूम अराउंड द बासि ये ग्रेट बात था कोई भी धार्मिक उत्सव होता था तो सब लोग वहां पर बात करते थे और वहां पर चेंजिंग रूम भी बनाए हुए हैं स्टेयर्स बनाई हुई थी साफ करने के लिए और दीवारों को अच्छे से इनर वॉल जो थी उनको अच्छे से ट्रीट किया गया था ताकि सी, सीपेज ना हो ओके एंड द ग्रीनरी एट मोहन जोदारो वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग एट द सिटी ये सी टी एल एल की जो बिल्डिंग्स है वो आपको बताई गई है ग्रेट बाथ एट मोहन जोदारो उसके बाद है ग्रीनरी जो ग्रीनरी बनाई गई थी डेट इज इन मोहन जोदारो वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द सिटी इन हड़प्पा देअर वर एज मैनी एज सिक्स ग्रीनरीज हड़प्पा में ऐसी सिक्स ग्रीनरीज के एक्सप्रेशन मतलब ऐसा फाइंड आउट हुआ है कि वहां छह ग्रीनरीज थी नियर दीज ग्रीनरीज देयर वर्स सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म मैंट फॉर थ्रैशिंग ग्रीन एंड ग्री फाउंड इन क्रैक्स ऑन द थ्रैशिंग फ्लोर शो दैट द हड़प्पन ग्रीव व्हीट एंड बार्ले और जो उनके दीवारों से जो अवशेष मिले हैं उससे पता लगता है कि जो हड़प्पन पीपल थे वो दो क्रॉप ग्रो करते थे व्हीट एंड बार्ले नो मोहन जोदारो ऑल्सो हैड अ लार्ज होल विच मे हैव बीन यूज एज एन असेंबली होल अ प्रेयर होल ऑन अ होल फॉर कल्चरल शोज मोहन जोदारो में भी एक ऐसा टाउन हॉल लार्ज होल मिला है जिससे पता लगता है कि शायद यहाँ एक असम्बली हॉल होता हो गए बहुत सारे लोग एक साथ प्रेयर करने के लिए यहाँ इकट्ठे होते होंगे ठीक है उसके बाद सीटाडल के बाद है लोअर पार्ट लोअर पार्ट में क्या था लोअर पार्ट वॉज कोल्ड द लोअर टाउन लोकेटेड आउटसाइड द हाउस एंड वर्क प्लेस ऑफ़ द कॉमन पीपल लाइक द पैटी मर्चेंट्स मैन एंड लेबरर्स बाकी के जो लोग थे रूलर से हटके प्रेस से हटके कॉमन पीपल वो सब लोग लोअर पार्ट में रहते थे नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इन डिटेल दिस जो था अ लार्ज ऑबलोंग स्ट्रक्चर हैव ने नाम लिखा है इसका ग्रेट बाथ फाइनली बिल्ट ग्रेट बाथ इज द रिमार्केबल स्पेसिमैन ऑफ एंशियंट हड़प्पन आर्किटेक्चर इट वॉज लाइंड विद ब्रिक्स एंड कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वॉटर टाइट विद द लेयर ऑफ टार इट वॉज द अप्रोच ऑफ ईदर एंड बाई फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स इट वॉज फ्लोर द फ्लोर ऑफ द बाथ वॉज मेड ऑफ बर्न ब्रिक्स एंड वॉटर वॉज प्रोबेबली ब्रोट इन फॉर्म वेल शायद इसमें कई कुएं से पानी डाला जाता होगा ठीक है और उसको फिर यूज़ के बाद यानी जो भी रिलीजियस ग्रेट बाथ का जो भी अवसर होता था उसके बाद उसको ड्रेन आउट यानी नाली के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता होगा द बाथ वॉज राउंडेड बाई पोर्टिकोज एंड सेट्स ऑफ रूम जो पूरा बाथ है ये अलग अलग दीवारों से अलग अलग रूम से सराउंड है दाथ पर है जिसमें वो ग्रीन स्टोर करते थे एंड दैट इज लार्ज होल जिसमें सब लोग असम्बली करते थे कोई कल्चर प्रोग्राम होना होता था तो वहां पर सब लोग गैदर होकर एक साथ प्रेयर करते थे ओके नेक्स्ट इज हाउसेस The houses were both of large and small size. Generally, they were either one or two story high and with rooms built around a courtyard. Almost all the large houses had a kitchen, a bathroom, a toilet, and a well. The houses were built on both sides of the street and they had few windows. देखा आपने जैसे अब आपके घर हैं जैसे अब आपके हाउसेस हैं उसमें किचन होता है बाथरूम होता है टॉयलेट होता है तो उस तरीके से जो पहले घर थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में वहाँ पर भी हर चीज होती थी एक वेल भी होता था ओके और बीच में स्ट्रीट होती थी स्ट्रीट के दोनों साइड में हाउसेज बने होते थे और हाउसेज में विंडोज़ भी होती थी नेक्स्ट इज ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स अब यहाँ जो ड्रेन्स होते थे यानी पानी घर से पानी बाहर निकालने के लिए जो ड्रेन्स होती थी और जो स्ट्रीट्स होती थी वो कैसी होती थी The Harappan people had an excellent and well-planned drainage system. The bathrooms had sloping floors and house drains were connected to the main drain. जैसे अभी आपके घरों में होती हैं कि जो बाथरूम की जो टाइल्स होती हैं जो फ्लोर होता है वो थोड़ा सा स्लोपिंग होता है ताकि जो पानी है वो सारा ड्रेन आउट होके एक ड्रेन में आ जाए और जो ड्रेन्स होते हैं घर से छोटे छोटे वो सारी मेन ड्रेन से कनेक्टेड होती हैं एंड द मेन ड्रेन विच रेन अलोंग द साइड्स ऑफ द स्ट्रीट वर्ड विद ब्रिक्स और जो मेन ड्रेन होती थी वो पूरी ऊपर से ब्रिक्स से कवर होती थी एंड देर वर मेन होल एट रेगुलर इंटरवल्स विच वर क्लियर रेगुलरली और मेन जैसे सीवरेज सिस्टम होता है मेन होल होता है तो उस टाइम पर भी मेन होल होते थे जिसको रेगुलर इंटरवल में क्लीन करते थे द ड्रेनेज सिस्टम एग्जिबिट्स द हाई आर्किटेक्चर स्किल्स ऑफ द हडप्पन पीपल एज वेल एज द एज वेल एज द इम्पोर्टेंस दे अटैच द हाइजीन एंड सैनिटेशन इससे पता लगता है कि जो उस टाइम में हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो आर्किटेक्चर थे वो एक अच्छे आर्किटेक्चर तो थे ही उसके साथ साथ हाइजीन और सैनिटेशन का भी ध्यान रखते थे और नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ इन दिटी अब लोगों की लाइफ कैसी थी द हडप्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस दे अवर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी कुछ लोग होते थे जो पूरी बिल्डिंग को प्लान करते थे कि कैसे कंस्ट्रक्शन करनी है एंड देवर प्रोबेबली रूलर शायद ये रूलर्स होते होंगे यानी उस टाइम जो रूल करते थे इट इज़ लाइकली दैट रूलर सेंड पीपल टू डिस्टेंड लैंड टू गेट मेटल प्रीसी स्टोन एंड अदर थिंग दे वायद जो रूलर होते थे वो बाकी के कॉमन पीपल जो होते थे उनको दूर दूर भेजते थे ताकि वो मेटल प्रीशियस स्टोन और बाकी की चीजें जो उनको चाहिए वो उनको लाकर दे सकें ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एंड बीड्स वर कैप्ड फॉर एंड देयर वर इवन स्क्राइब्स हु न्यू राइटिंग प्रिपेशन ऑफ सील्स एंड प्रोबेबली रोट ऑन मटीरियल दैट हैज नॉट सर्वाइव्ड और ऐसी चीजें वर इवन स्क्राइबर्स हु न्यू राइटिंग और कुछ ऐसे लोग भी होते थे जिनको राइटिंग भी आती थी ठीक है तो वो किस पर लिखते थे वो सील पर लिखते थे जो अभी जो है वो सरवाइव नहीं कर पाई सील जो है वो क्या खत्म हो गई सील क्या होती थी जैसे कि क्ले के कुछ बनाकर क्ले के ऊपर लिख कर उसको सुखा देते थे ठीक है तो अब वो फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं बिसाइड्स

The Harappans were gifted with high talent regarding crafts and industries. Most of the things excavated from the Harappan sites are made of stone, shell and metal, including copper, bronze, gold and silver. इससे पता लगता है कि उस टाइम पर मेटल की डिस्कवरी भी हो चुकी थी और कुछ चीजें ऐसी मिली हैं जो स्टोन, शेल और मेटल की बनी होती थी जैसे कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर। Next is pottery. बहुत सारे यूटेंसिल्स एक्सकुएट हुए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में दैट इंडिकेट दैट पोट्री मेकिंग वॉज एन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन एंड द व्हील वॉज यूज टू शेप टेराकोटा कोटा पोर्ट्स विच वर दैन बेक्ड ग्लेसड एंड डेकोरेटेड विद ब्लैक डिजाइंस और ऐसा माना जाता है पोटर व्हील का उस टाइम पर यूज होता था टेराकोटा पोर्ट्स को शेप देने के लिए उसको उसके बाद बेक किया जाता था ग्लेज किया जाता था फिर ब्लैक डिज़ाइन के साथ उसको ब्यूटीफुली डेकोरेट किया किया जाता था नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ वाज अ सिग्निफिकेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडस वैली पीपल पीपल wore क्लोथ्स ऑफ कॉटन एंड वूल क्योंकि उस टाइम उन्हें कॉटन एंड वूल जो है वो वीव करना आ गया था बाय द यूज ऑफ व्हील ओके कॉटन वॉज परेहरगढ़ फ्राम अबाउट सेवन थाउजेंड ईयरस ए गो अ लार्ज नंबर ऑफ स्पाइंडल होल्स यूज इन स्पिनिंग थ्रेड हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम वेरियस साइड और ऐसा माना जाता है कॉटन जो है मेहरगढ़ में सात हजार साल पहले से ही यूज़ किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारा स्पिनिंग थ्रेड वहाँ से डिस्कवर हुआ है दे आर मेड ऑफ टेरा एंड फैंस ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयड्री वॉज डन ऑन गारमेंट्स और ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी की जाती थी गारमेंट्स पर नेक्स्ट जो है दैट इज इमेज मेकिंग एंड स्कल्पचर यानि कि मूर्तियाँ बनाना इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल हैड मेड अ ग्रेट प्रोग्रेस इन द आर्ट ऑफ स्कल्पचर मूर्तियाँ बनाना जो है उसकी डेवलपमेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुई थी मैनी स्टैचूज एंड फिग्राइन्स बोथ ऑफ एनिमल्स एंड मैन सच एज अंग बुल अ स्ट्रोंग वो स्ट्रोक अ प्रिस्ट लाइक मैन वियरिंग अ शोल अ डांसिंग गर्ल विद हर हैंड ऑन हर हिप अ प्रिस्ट लाइक मैन आर वर्थी टू नोट तो इस टाइप के स्कल्पचर बनाए जाते थे जिसमें ब्रोंज फिगराइन अ गर्ल विद द हैंड ऑन हिप्स जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है तो इस टाइप के स्कल्पचर एंड इमेज उस टाइम पर बनाई जाती थी नेक्स्ट इज ज्वेलरी द ज्वेलरी ऑफ द इंडस वैली मेड वेराइटी ऑफ ऑर्नामेंट्स यूजिंग मटीरियल सच एज कॉपर गोल्ड सिल्वर क्ले एंड प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन दे ऑल्सो यूज फैंस अ मटीरियल मेड बाय बेकिंग एंड ग्लेजिंग स्पेशली ट्रीटेड क्ले ओके तो डेकोरेशन करने के लिए वो फैंस का भी यूज करते थे फैंस क्या होता है एक ऐसा मटीरियल जो बेक करके फिर उसको ग्लेज किया जाता है क्ले का बना होता है ठीक है बहुत मैन एंड वीमेन वो ऑर्नामेंट सच एस बैंगल्स नेकलेस एंड रिंग्स तो इस टाइप के ऑर्नामेंट्स थे मैन और वुमेन दोनों ही बैंगल्स नेकलेस और रिंग्स ये ऑर्नामेंट्स पहनते थे नेक्स्ट इज सील्स सील क्या होती है more than 2000 seals have been discovered from the various sites the seals rectangular in shape rectangular shape ki ki Ye they were made up of terracotta and soapstone and the most interesting seal is that of a person एपियरिंग लाइक लोड शिवर सीटेड इन पोस्टर और जिसमें से मेन सील जो उस टाइम की फेमस है उसमें एक पर्सन बैठा है भगवान शिव की तरह एक यौगिक पोस्चर में वो बहुत ज्यादा फेमस है एंड द डाइट इज राउंडेड बाई एनिमल्स सम सील्स बीयर द फिगर्स ऑफ एनिमल्स लाइक द बफेलो बुल टाइगर एंड एलिफेंट कुछ सील जो हैं उन पर अलग अलग एनिमल्स की पिक्चर बनी हुई है जैसे कि बफेलो बुल टाइगर या एलिफेंट की द सील्स वर प्रो बैग विच कंटेन गुड्स देश में भेजना है दूसरी सिटी में भेजना है, another, भेजना है तो उस बैग पर उसकी सील लगाई जाती थी अलग अलग टाइप की सील होती होंगी तो शायद यह पता लगता होगा कि ये कौन सी जगह से आया है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है वेज एंड मेजर्स कैसे किसी चीज को वो लोग नापते थे कैसे किसी चीज को तोलते थे वे करते थे वेट्स एंड मेजर्स हैवी एंड स्मॉल वेट्स वर इन यूज दे वर मेड अप ऑफ कस्ट दैट इज अ काइंड ऑफ स्टोन दैट इज जैस्पर एंड अगेटी स्टिक्स इंस्क्राइब विद मेजर्स मार्क हैव बीन फाउंड एट इंडस वैली सिविलाइजेशन वन ऑफ वेलीज इज मेड ऑफ ब्रॉन्ज कुछ जो है वो अलग अलग स्टोन की बनी होती थी कुछ ब्रॉन्ज की भी बनी हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें फाइंड आउट हुई है उस पर कुछ मार्क भी किया होता था तो इन चीज़ों से वो मेजर और वेट करते थे नेक्स्ट इज द आर्ट ऑफ राइटिंग दैट इज स्क्रिप्ट ऑफ द हड़प्पन दिस इज द स्क्रिप्ट ऑफ द हडप्पन ठीक है इनकी अलग टाइप की स्क्रिप्ट होती थी ये स्क्रिप्ट जो मिली है ये अभी तक डिस्कवर हम नहीं कर पाए हैं दिस इज अ टाइप ऑफ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मीन्स पिक्चर की फॉर्म में है द राइटिंग्स वर मेनली ऑन स्मॉल टेबलेट्स और सिरामिक पोर्ट्स एंड द राइटिंग वॉज फॉर्म ऑफ राइट टू लेफ्ट अज साइन बोर्ड विद एन इंस्क्रिप्शन कार्ड हैव बिन डिस्कवर्ड फ्रॉम धोलावीरा एंड द The script however still remain undeciphered okay next is in search of raw materials raw materials kaha kaha se milta tha us time harappan civilization me the substances either found naturally like wood or ores of metals or produced by farmers or herders are known as raw material and raw materials are needed in order to produce finished good raw material kyu chahiye hota hai? Finished good ko कंज्यूम फिनिश गुड को प्रोड्यूस करने के लिए रो मटेरियल चाहिए होता है और रो मटेरियल कहाँ होता था जहाँ जिस चीज़ पे नेचुरली वो चीज़ ग्रो होती थी जैसे किसी जगह से वुड मिलता है या कोई मेटल मिल रहा है या कोई फार्मर कुछ ग्रो कर रहा है तो वो उस जगह का रॉ मटेरियल होता था ओके फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर इज अ रॉ मटीरियल इट इज़ प्रोसेस टू मेक क्लोथ, सम ऑफ़ द रो मटेरियल्स नीडेड बाय द पीपल वर अवेलेबल लोकली लेकिन कुछ मटेरियल जैसे कि कॉपर गोल्ड सिल्वर प्रीसियस स्टोन जो होते थे ये दूसरी जगह से दूर दूर की जगह से लाने पड़ते थे ठीक है कुछ उन्हें लोकली मिल जाते थे नाइंडस वैली पीपल पर हैप्स गोट कॉपर फ्रॉम राजस्थान शायद उन्हें कॉपर राजस्थान से मिलता होगा एंड इवन फ्रॉम ओमान टू वेस्ट एशिया एंड दे प्रोक्योर टीन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईरान एंड इट वॉज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रोंज और हो सकता है कॉपर और कॉपर के साथ मिक्स करके उसको ब्रॉन्ज की फॉर्म दी हुई हो दे गॉट गोल्ड फ्रॉम कर्नाटका एंड वैल्यूएबल स्टोन फ्रॉम गुजरात ईरान एंड अफगानिस्तान तो यहाँ से जो उनके पास रॉ मटेरियल नहीं होता था अलग अलग साइड से जहाँ पर जो अवेलेबल होता था वहाँ से वो लोग वहाँ से लेकर आते थे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे नेक्स्ट फूड एंड एग्रीकल्चर सिटी लाइफ एग्जिस्टेड अंडर इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल इन विलेजेस नोन एज फार्मर्स एंड हर्डर्स और ये क्रॉप ग्रो करते थे एनिमल को रियर करते थे दिस अप्लाइड फूड टू स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन दिटीज पीपल दस ग्रो व्हीट बार्ले पीज राइस सीसम लाइम सीड एटसेट्रा एंड द न्यू टूल कॉल्ड प्लाउ प्लाउ जो है वो उस टाइम पर इंट्रोड्यूस हो गया था जिसको अर्थ को डिग करने के लिए फार्मिंग करने के लिए सॉयल को टिल्ट करने के लिए उसको यूज किया जाए

रियल प्लाउज हैव नॉट सर्वाइव्ड बट टॉय मॉडल हैव सर्वाइव्ड रियल प्लाव जो है वो नहीं मिले हैं लेकिन जो उनके टॉय मॉडल बना रखे थे ठीक है वुडन प्लाव एक टॉय मॉडल है उस टाइप का अभी भी एक्सक्वेशन के दौरान मिला है एंड सम मीन्स ऑफ इरीगेशन ऑल्सो एक्जिस्टेड इट वॉज यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट्स द इंडस वैली पीपल रियर्ड कैटल शिप गॉड एंड बफेलो वॉटर एंड पाशर वर एवेलेबल अराउंड ऑल सेटलमेंट्स हंटिंग जो है दैट वॉज पॉपुलर नेक्स्ट है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना द इंडस वैली पीपल डोमेस्टिकेटेड बुल्स काउस बफेलोज गोट्स शिप्स पिग्स एटसेट्रा डॉग्स एंड कैट्स टू वर डोमेस्टिकेटेड वोटर एंड वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स बट दे हैड टू टेक लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल टू फार ऑफ प्लेसेस इन द ड्राई समर मंथ्स इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वोटर तो अपने साथ ये इन एनिमल को रियर करते थे वैसे तो पानी आसपास अवेलेबल होता था लेकिन जब पानी अवेलेबल नहीं होता था तो उस टाइम ये अपने एनिमल्स को लेकर बहुत दूर दूर तक ट्रेवल करते थे ताकि उनको ग्रास और वॉटर मिल सके नाउ

एंड इट हैड फ्रेश वॉटर एंड फर्टाइल सॉयल ठीक है यहाँ पर फ्रेश वॉटर था और फर्टाइल सॉयल थी अंड अदर इंडस वैली टाउन्स धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री प्रिंसिपल डिवीजनस ईस्ट डिविजन वॉज राउंड विद स्टोन वॉल्स With entrance through gateways, and the settlement had a large open area. Probably public ceremonies were held here. Okay, allagalak, the division was divided. Shahidi hamper public ceremonies hoti hongi. Another extraordinary find from Dholavira is the large wooden plank. विद लार्ज लेटर्स ऑफ द इंडस वैली स्क्रिप्ट और दूसरा यहाँ पर क्या मिला है एक वुडन प्लैंक मिला है जिस पर बड़े बड़े लेटर से इंडस वैली स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ है दे वर कार्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन एंड द पर हैप इन फ्रेड इन वुड एंड सच ए लार्ज पैसीमैन ऑफ राइटिंग हैज़ नोट यट बीन फाउंड फ्राम एनी अदर सिटी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसी राइटिंग जैसी जो स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखी हुई मिली है वो अदर किसी भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट पर नहीं मिली है सेकेंड इज़ लोथल धोलावीरा धोलावीरा किस लिए फेमस था अब यहाँ की फर्टाइल सॉइल के लिए और फ्रेश वाटर के लिए ठीक है और तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया था एंड यहाँ पर पब्लिक सेरेमनीज के लिए एक लार्ज ओपन एरिया भी था ठीक है नेक्स्ट है लोथल Lothal is situated near a tributary of the Sabarmati in Gujarat. It was discovered by S. R. Rao in 1955. It was an important trading and manufacturing center of the Indus Valley civilization. Lothal is famous tha? Be because of the trading and manufacturing center. Okay? इट वॉज लोकेटेड नियर एरियाज दैट रिच इन रॉ मटीरियल जैसे ग्रेट सेंटर ऑफ स्टोन शेल एंड मेटल मैन्युफैक्चर अ स्टोर हाउस हैविंग अब यहाँ क्या था ये एक ट्रेडिंग सेंटर था तो यहाँ पर एक बड़ा स्टोर हाउस था बड़ा स्टोर हाउस था तो यहाँ पर नंबर ऑफ सील्स जो थी वो रखी जाती थी क्योंकि यहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था तो सील का यूज किया जाता था एंड अदर इंपोर्टेंट फाइंड फ्रॉम लोथल इज द बेक्ड ब्रिक ह्यूजैंक और यहाँ पर एक बेक्ड ब्रिक भी मिला है इट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज कह सकते हैं एंड इट वॉज कनेक्टेड बाई चैनल्स टू द नेबरिंग हेयर बोट्स एंड शिप्स केम इन फ्रॉम द सी एंड थ्रू द रिवर चैनल गुड्स गुड स्वर लोकेटेड एंड अनलोडेड हेयर और दूसरा ये क्या था दैट इज बेक ब्रिक ह्यूज टैंक यानी यहां अलग अलग वोटर चैनल से जो लोथल है वो कनेक्टेड था तो यहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाय शिप बाय सी किया जाता था नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिलीजियस लाइफ लोगों का रिलीजियस लाइफ कैसी थी ठीक है ब्रोंज फिगराइन सील्स एंड पोट्री प्रोवाइडेड क्ल्यूज अबाउट द रिलीजियस प्लेस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन जिससे पता लगता है अ हम्प्ड बुल एलिफेंट एंड रॉनोसोरस एंड ग्रेव्ड ऑन सम सील्स इंडिकेट दैट दिस एनिमल्स मे हैव बीन कंसिडर सर्किट ऐसा माना जाता है कि एलिफेंट बुल राइनोसोरस इनको पवित्र माना जाता था एंड इन हड़प्पा द मोस्ट स्ट्राइकिंग डायट्री इज अ होन्ड गॉड और ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में वन होन्ड गॉड जो था दैट इज द मेन डाइटी ऑन सम सील्स ही इज शोन सीटेड ऑन अ स्टूल एंड वेयरिंग अ होन्ड हेड्रेस ऑन अदर्स ही इज सील्ड

इतनी अच्छी सिटी थी वेल प्लान टाउन्स थे ठीक है तो कैसे वो सिटी कैसे वो सिविलाइजेशन जो है वो ख़त्म हो गई कैसे वो डिक्लाइन हो गई हिस्टोरियंस आर नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट कोज़ फॉर इट्स डिक्लाइन। दे कंसिडर्ड सेवरल पॉसिबिलिटीज़ बट इट इज श्योर दैट द सिविलाइजेशन डिड मीट अ सडन एंड It declined gradually. Around 3900 years ago, people stopped living in many of the cities. Writing seals and weights were no longer in use. Raw materials brought from far off places became rare, and the archaeological remains discovered from Mohanjodaro reveal that the garbage. Piled upon the streets, and the drainage system broke down, and new, less impressive houses came to be built even over the street. Thus, the factor responsible for the decline of the Indus Valley civilization, we can read further. क्या कारण माना जाता है हिस्टोरियंस के पास कोई प्रॉपर रीजन नहीं है कि वो बता पाए कि कैसे ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई कुछ पॉसिबिलिटी उन्हें लगती है कि शायद ऐसा हुआ होगा ठीक है कि एकदम से तो ये ख़त्म नहीं हुआ है कुछ लोगों का कुछ हिस्टोरियन का कहना है शायद कोई अर्थक्वेक आया होगा और पूरे लोग जो है वो एक ही टाइम मर गए होंगे और सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई होगी कुछ का कहना है कि जो नए घर बने थे शायद उन्होंने वेल प्लान नहीं बनाए तो स्ट्रीट्स पर बहुत ज़्यादा गार्बेज आ गया था गार्बेज कलेक्ट नहीं करते थे लोग तो ड्रेनेज जो थी वो ब्लॉक हो गई थी और बारिश आई होगी और फ्लड के कारण जो ये सिविलाइजेशन है ये पूरी खत्म हो गई हो गई कुछ लोगों का कहना है कि ये एकदम से नहीं हुआ शायद धीरे धीरे लोगों ने वहाँ से मूव करना शुरू कर दिया वहाँ पर जो ट्रेडिंग करते थे वो कम हो गई थी रॉ मटेरियल जो था वो लाना बंद कर दिया था तो शायद वहाँ से लोग निकल इधर उधर किसी और जगह पर शिफ्ट हो गए होंगे फिर भी क्या क्या कारण माने जाते हैं द फर्स्ट इज द एरिया वॉजली फ्लडेड फ्रीक्वेंटली ठीक है जो अभी आपको बताया कि शायद उस एरिया में फ्लड आ गई हो गई या कोई अर्थक्वेक आ गया होगा और पूरी की पूरी सिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई होगी सेकेंड कारण माना जाता है द सिविलाइजेशन गोट इट्स प्रोस्पैरिटी फ्रॉम ट्रेड विद द डिक्लाइन इन ट्रेड द सिटी इज़ ऑल्सो डिक्लाइन कि यहाँ से ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था तो जहाँ ट्रेड कम हुआ तो शायद ये सिटी भी डिक्लाइन हो गई अकॉर्डिंग टू scholars, द civilization केम टू एन एंड बिकॉज इट्स रूलर lost their कंट्रोल ऐसा माना जाता है कुछ का कि जो रूलर्स थे उनका कंट्रोल यहाँ पर नहीं रहा और यहाँ से वो छोड़ कर किसी दूसरी जगह पर सेटल डाउन हो गए और शायद नई सिटी बना ली होंगी कुछ का कहना है बिलीव that बारबेरियन movements बार्बेरियन इन्वेशंस कोज द डाउनफॉल ऑफ द सिविलाइजेशन जब बाबर ने यहाँ पर इन्वेड किया तो शायद उस टाइम सिविलाइजेशन ये ख़त्म हो गई होगी एंड द सीटीज़ में हाव बिन अटैक्ट एंड द इनहबिटेंट कुड नोट डिफेंड दम सेल्फ शायद जो वहाँ के रहने वाले लोग थे वो अब ख़ुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए और पूरी सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई इसके अलावा भी बहुत सारे र्यूमर हैं कि कैसे ये सिविलाइजेशन ख़त्म हुई Now next is contributions of the Indus Valley Civilization. इंडस वैली के जो लोग थे वो पीस लविंग थे आसपास में रहना पसंद करते थे प्यार से लग्जरी को इंजॉय करते थे लाइफ में कंफर्टेबिलिटी चाहते थे कुछ उनकी अचीवमेंट जो है वो रियली रिमार्केबल हैं जिन पे हमें प्राउड फील होना चाहिए अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ़ द इंडस वैली पीपल इट इज सेड दैट दे गेव टू द वर्ल्ड इट्स अर्लीस्ट सिटीज फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इट्स फर्स्ट टाउन प्लानिंग इट्स फर्स्ट आर्किटेक्चर इन स्टोन एंड इट्स फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सैनिट इंजीनियरिंग एंड ड्रेनेज वर्क जो हम पढ़ चुके हैं हड़प्पन जो कि एक वेल प्लान टाउन सिटी थी तो हमारे देश को यानी हमको सबसे पहला टाउन के बारे में बताना सिटी के बारे में बताना प्लानिंग कैसे होती है आर्किटेक्चर कैसे होता है इंजीनियरिंग या ड्रेन वर्क कैसे होता है कैसे ग्रेनरी बनती है कैसे पोट्री बनती है तो इन चीजों को बताने वाली सबसे पहले कौन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ओके नाउ डू नो मेजोपटामिया जो है मेज़ोपटामिया वॉज द ओल्डेस्ट रिवर वैली सिविलाइजेशन दिस रिच सिविलाइजेशन बोस्टेड ऑफ अ वेल डेवलप्ड लीगल सिस्टम लीगल सिस्टम यहाँ का बहुत अच्छा है एंड अ किंग हु दिस लैंड मोर देन फाइव थाउजेंड ईयर एगो हैड हिज लीगल कोड एनग्रेव इन स्टोन जहाँ पर यहाँ पर जो किंग रूल करता था वो इतनी ज्यादा उसको लीगल नॉलेज थी कि जो भी वहां मेजो पोटामिया के रूल थे वो सारे उसने एक पिलर पर एनग्रेव करा रखे थे ओके नाउ लेट्स रिकॉल द चैप्टर ग्रोथ ऑफ ट्रेड लेट टू द राइज ऑफ सिटीज एंड इट वॉज इन दिटीज दैट सिविलाइजेशन फर्स्ट ग्रू next is the indus valley civilization came up on the bank of river indus. hadapan, mohanjodaro, lothal and roper are some of the important sites of the civilization. the cities of the indus valley civilization were well planned and they were divided into two parts, the citadel and the lower part the streets of cut each other at right angle and they were covered drains along the roads next is wheat and barley were the main crops and the indus valley civilization had a well established system of trade through road and sea and the decline of Indus Valley civilization is widely believed to be due to natural disaster like earthquakes or floods. So, this is the chapter Bachre, I think you have understood the chapter, you have to read it once again and do the practice of exercise yourself.